संजय तलवार है, आज यहाँ पे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए थे इनके हलके में, इनसे बात करते हैं कि आज चन्नी साहब क्या ऐलान करके गए। हाँ जी, चन्नी साढ़े सीएम साहब आज उद्घाटन करके गए ने एग्जीबिशन सेंटर का, साढ़ा पाम पार्क, सतगुरु रविदास जी ऑडिटोरियम, स्टैटिक कंपैक्टर, अम्यूजमेंट पार्क और जिहड़ियां साढ़ियां कुछ कॉलोनीज इहो जिहियां सीगियां जिहदे साढ़े लोगों को मालकाना हक नहीं सीगे, लाइक संजय गांधी कलोनी, EWS कलोनी, विश्वकर्मा कलोनी, मुस्लिम कलोनी, राजीव गांधी कलोनी। सो अनाउंसमेंट कर गए ने माँ वैष्णो धाम मंदिर वास्ते, राम दरबार मंदिर वास्ते और आनंदपुर आश्रम वास्ते। ये सारी अनाउंसमेंट्स कल ही असं पेपर लैके उन्होंने को चले जाना और मैं उम्मीद है कि असं कल ही ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। अच्छा, आप अपने एरिया में कहते हैं, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आपने विकास करवाया और इन्वेस्टमेंट भी किया यहाँ पे, लेकिन जो विरोधी वो कहते हैं कि संजय तलवार की जो एरिया में है कोई काम नहीं हुआ, सब जो दावे हैं वो खोखले हैं। उन विरोधियों को आके सीन देख लेना चाहिए, अगर खोखले दावे होंगे वो पूरा लुधियाना इकट्ठा करते हैं तो 10 बंदे भी इकट्ठे होंगे उन्होंने को। अकला ही सीगा, असी अराउंड 8500 चेयर सीगियाँ और इन लोग साढ़े बाहर सके, अगर काम ना होंगे, लोग प्यार ना करते होंगे तो लोग इतने आते ना। सो इन्होंने मोहर लाती, उन्होंने गल का जवाब उन्होंने मिल गया, अगर उन्हें हिम्मत हैगी है तो अपने दम से कली ईस की रैली इदा की करके दिखा, फिर मेरे ना बैठने वह है ही नहीं किसी पास। सो उन्होंने डिस्कशन हूँ बंद ही नहीं करनी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज यहाँ पे रैली आपने करवाई है, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आई है, क्या लग रहा है कि आप दावेदार हैं इस पूर्वी हलके के? दावेदार मैं यहाँ से MLA हूँ और पार्टी जो फैसला करेगी मैं ऑन करूँगा, लेकिन आपने CM साहब की अनाउंसमेंट सुनी है, उनकी बातें सुनी है, क्या शब्द वो बोलकर गए हैं कि पंजाब के जितने MLA मैं सबसे ज्यादा संजय से प्यार करता हूँ और जो संजय ने बोल दिया सब ओके है। कहीं ना कहीं टिकट पक्की आपकी? ये परमात्मा के हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, पता नहीं अगला श्वास किसने लेना कि नहीं लेना, लेकिन आज तक जो हमने काम किया है, जो हमारी टीम ने काम किया है, उसके ऊपर आज लोगों ने मोहर लगा दी है और ये क्लैरिटी नज़र आ रही है पूरे लुधियाने में, यहाँ से पंजाब में मैसेज गया है कि लोग कांग्रेस के साथ हैं और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा MLA साहब, एक आपने बात कही है मुख्यमंत्री साहब से कि दो कॉलोनी यहाँ पे आपके हलके में उनको मालिकाना हक दे दिया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया, तो ये कब तक उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी? ये तो अब हमारी हिम्मत है, हम जितनी जल्दी फाइल मूव करेंगे उनके पास लेकर जाएंगे तो उतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत हो जाओ, ये जो इन लोगों की पुकार है वो हमारे दिल के अंदर है, सरकार भी हमारी बनेगी, अगर कुछ इलेक्शन कोड की वजह से रह गया तो आते ही वो काम कर देंगे।